और ये सब जो है ना ये तीन पार्ट के ऊपर होता है मुश्तम और इसके फिफ्टीन मिनट होते हैं और हर एक पार्ट के पांच पाँच, -पाँच मिनट के होते हैं ठीक है तो इसके ऊपर फर्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या होता है हमारे पास एक इस तरह पेज होता है कार्ड ठीक है तो उसके ऊपर लिखा होता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना तो एग्जामिनर जो आपके सामने बैठा होता है आपको कार्ड दे देता है पेज तो आपको कहता है अपने आपको आ, बिटे इस जर्मन कहता है इसका मतलब अपने आप को आपने इंट्रोड्यूस करवाना होता है तो कुछ भी याद नहीं करना होता आपने आपने जस्ट अभी प्रैक्टिस करनी है एक दो की एक की आप कर लेंगे समझ आ जाएगी आपको दो की दूसरे की करें ना करें ये एक्सप्रेशन का ये फर्स्ट पार्ट ईजी है बहुत उसके अंदर क्या है कार्ड के ऊपर लिखा होगा नाम ही मतलब कार्ड के ऊपर ये पांच छह चीज़ें लिखेंगी ऐसे ये फ्लो के अंदर ठीक है ये क्वेश्चन एक किस्म के बने हुए हैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछेगा जस्ट आपने कार्ड के ऊपर देखना होगा और उसका आंसर करना होगा वो आपका क्या होगा इंट्रोड्यूस हो जाएगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं पहले अपना नाम बताते हैं अपनी एज अपनी कंट्री का नाम इस तरह अपने बारे में प्रोफेशन बताती है अपना लैंग्वेज क्या कौन सी बोलते हैं हम वो हम बताते हैं ठीक है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने इस फ्लो के अंदर बताना है इस वजह से आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस से करवाना है अपनी तरफ से नहीं करवाना जो सामने जो पूछी गई है जो चीज़ लिखी हुई है आपने उसके मुताबिक बताना है फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्ट हो रहे नामे से तो आप कहेंगे आ, हालो आ, इश्मीन उज़ैर या मायन मेंस्ट फरा इस तरह का आप कह देंगे ठीक है और फिर सेकंड के ऊपर ये आपका कंप्लीट हो गया ये वाला सेकंड के ऊपर आ जाएंगे आप कहेंगे इस बिन उन आर्ट याट या आपने तैयार कर लेना है आपकी एज क्या है अपनी मर्जी जो जो भी बता दें वैसे ठीक है लेकिन आ, ऐसा नहीं कहना कि मेरी एज जो है ना ट्वेंटी थ्री है मैं ट्वेंटी टू तो नहीं बता रहा सोचने नहीं लग जाना वो समझेगा कि इसको आता नहीं है ठीक है उलट बता दें जो बता दें आपने स्मूथली बताना होता है जितनी मर्जी बता दें आप ठीक है मतलब यह है कि आपने सेंटर्स के अंदर रुकना नहीं है आपने ठीक है तो उसके बाद सेकंड हो जाएगा फिर आप लैंड मतलब आपकी कंट्री क्या है आप कहेंगे हाउस पाकिस्तान ठीक है लैंड मीन कंट्री होती है इसी तरह आ, नेक्स्ट है वन आउट लिविंग प्लेस आप कहाँ पर अब इस टाइम रह रहे हैं ईशवान कराची इस्लामाबाद लाहौर ठीक है कुछ भी कहते हैं और फिर शब्राखन आप कहेंगे श्रैश इंग्लिश उर्दू और कुछ भी डोइच कहते हैं हाँ डोइ भी बोलना अपने लाजमी ठीक है तो ये आ जाएगा एक एक सेंटेंस बनाना है जैसे इनके ऊपर ठीक है सिंपली आप अपनी तरफ से कोई भी बना सकते हैं लेकिन उससे रिलेटेड हो आप बता रही हो कि मुझे क्या चीज शिफ्राफिन का सेंटेंस कैसे डोइज का आप क्या कह रहे हैं कि ये भी बोलना है कि हमें आती है ठीक है जी जी आपने लास्ट में नहीं कुछ बोलना मतलब वो ये पूछ रहा है कि अपने, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना आप नॉर्मल नौर्म, वे के अंदर तो आप डोइ का नाम बताएं वैसे जरूरी नहीं है आप बता दें उर्दू इंग्लिश इस तरह कोई और लैंग्वेज बता दें जो मर्जी बता दें एक लैंग्वेज बता दें चाहे ठीक है मैं इसलिए कह रहा हूँ वैसे डोइ बता दें ताकि अच्छा इंप्रेशन जाएगा ठीक है इसका मतलब है लैंग्वेजेस और फिर इस तरह आपका बैरूफ प्रोफेशन आपका क्या है इस, आप कहते हैं आपका कोई और प्रोफेशन है तो आप कहते हैं और ये बार बार आप कह रहा हूँ ये ध्यान में रखना आपने बिल्कुल अपनी रियलिटी नहीं बतानी होती है कि आप सोचने लग जाए मेरा बैरूफ क्या है क्या नहीं होगा आपने जस्ट स्मूथली स्पीक करते जाना है ऐसे कोई बैरूफ बता दें कोई एज बता दें नाम आ, नाम भी कोई वैसे बता सकते हैं लेकिन नाम के अंदर बेटर बै, ये है कि अपना नाम ही बता दें क्योंकि सामने लिखा होता है एग्जामिनर के पास या कहीं तो एग्जाम अपना बताना और नाम अपना बताना कोई मुश्किल तो नहीं है बाकी लैंग्वेजेस के अंदर बैरूफ के अंदर आपने ये नहीं देखना कौन सी लैंग्वेज आती है नहीं आती बोल देना आपने और आपसे पूछेगा नहीं कि आपने इटालियन बोल है तो आपको इटालियन आती है कि नहीं आती ठीक है और बैरूफ हो गया फिर हॉबी हॉबीले इस, इस क्रिकेट ग इस तरह कह दे या आप कह दें माइन हॉबीज क्रिकेट शिपिलन ठीक है आप आपके आगे मैं आपको शेयर करूंगा कुछ चीजें वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपने कैसे हॉबी बताना है ठीक है तो ये है हमारे पास इसमें फर्स्ट जो फोर हैं आ, आप में से उजैर आप बताएंगे अगले तीन या चार हैं वो फरिया बताएंगे जी उजैर सर ये नाम है तो इसका ए, सर माइन नाम है इस, इस उजैर जी तो आप तो तो कुछ बोल दिया एग्जामिनर के सामने आपने ऐसा नहीं करना ठीक है तो आप हेलो कह सकते हैं उसके बाद माइन नाम है जी हेलो माइन नाम है मोहम्मद उजैर सर ये अल्टर में क्या है वो लगेगा एज में एज में आप एज इज बिन नहीं सर वो ए, सेंटेंस इज बिन आई इन सांसे शियर यार्ड या जो हां कोई भी बोल नहीं सांसे शियर यार्ड बोल आई इन सांसे शियर यार्ड देखें हां एक दे, बात है मुश्किल हो जाएगा आपने ना सिंपल बोल देना 20 वाला फिगर इज बिन सांसे शियर यार्ड बस इज बिन सांसे शियर यार्ड हाँ फिर हाँ इस पाकिस्तान। जी और नहीं। फिर वो नोट ईश्वे नेदराबाद ने इन हैदराबाद ठीक है चलिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपने किया प्रैक्टिस।, प्रैक्टिस हाँ तो हो जाएगा उसके बाद लास्ट वाले तीन फर अह इशअपरा इंग्लिश इंग्लिश डवेज माइंड बेरू फेस्ड एपैथीरी एंड माइंड लेजन, लेजन आपनेंट आपने लगाना है ठीक है एक फॉर्मुल के अंदर आपको लग रहा कि आप बोल रहे हैं ठीक है उर्दू इंग्लिश जो लास्ट वाला बोलना है उससे पहले ऊंट लगाना आपने मतलब ठीक है तो ये छोटी छोटी चीजें मुश्किल भी नहीं है जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी हो जाएगी तो इस तरह आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है अपने आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर क्या होता है आपके सामने इस तरह छह वर्ड्स होते हैं यानी छह कार्ड एक पेज के ऊपर ऐसे होते हैं उनमें से आपने दो का आपको मीनिंग आना चाहिए फॉर एग्जाम्पल कह रहे हो ठीक है मीनिंग जब आएगा आपको तो आप उसका क्वेश्चन बना सकेंगे आप उसको सोल्व कर सकेंगे मतलब छह में से आपको दो तो मीनिंग आ ही जाएंगे इजीली आपने इतनी प्रैक्टिस की हुई है आप भी जाते हैं तीन तीन चार चार के भी आपको आ रहे होते हैं लेकिन आपको दो की जरूरत होती है के कार्ड छे के ऊपर दो आपको आते हों तो आपने करना क्या है क्वेश्चन क्या है इन uh, in in, मतलब इंफॉर्मेशन लेना मतलब मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन करना करना है सारे का यहां से उन मतलब in और क्वेश्चन का आंसर देना फॉर एग्जाम्पल मतलब कहने का यह है कि आपका सेकेंड पार्ट के अंदर क्या काम होगा आपने क्वेश्चन करने होंगे दो ठीक है आपने पार्टनर से आपका पार्टनर आपको आंसर दे देगा फिर आपका दूसरा काम क्या होगा आपका पार्टनर आपसे दो क्वेश्चन करेगा आपने उसके आंसर देना होगा ठीक है तो पार्टनर आपके सामने बैठा होगा वो भी दो क्वेश्चन करता है आपने भी दो क्वेश्चन करने होते हैं ठीक है तो उसने भी आंसर देने हैं तो आपने भी दो आंसर देने होते हैं उसका कार्ड अलग होगा उसके पास छह वर्ड्स अलग होंगे अपने कार्ड के ऊपर आपके पास छह वर्ड्स अपने कार्ड के ऊपर इस तरह ये अलग होंगे ठीक है ये छह वर्ड्स तो ठीक है इनफॉर्मेट्स और इन का मतलब इसमें कंफ्यूज होना क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है क्या करना है आप जस्ट इसको सिंपल कर दें क्वेश्चन पूछना और आपसे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर करना ठीक है तो फिर इसके ऊपर करना क्या है कार्ड होता है ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ नहीं देखना कुछ नहीं है, जस्ट थेमा लिखा हुआ और हमारे पास ये वर्ड है ठीक है और थीमे का मतलब यह होता है आ, के आपने जो क्वेश्चन करना है इससे रिलेटेड हो मतलब ऐसा नॉन ड्रिंकन फॉर एग्जांपल हमारे पास थीमा है थीमा का मतलब टॉपिक होता है जैसे हम कहते हैं ना आज हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं आज हमारा थीमा क्या है एग्जाम प्रेपरेशन है हमारा थीमा शिप्रेशन हमारा थीमा है आज का ठीक है तो इसी तरह कहता था आपने जो बात करनी है इससे रिलेटेड हो ऐसा नूनट्रिकन आपने जो क्वेश्चन कहना उसमें यूज होना लाजमी नहीं है ठीक है ऐसा नूनट्रिकन उससे मिलता जुलता हो आपका जो सेंटेंस होगा और सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड यूज़ करना आपने ये वाला इस वर्ड्स को ठीक है जो बड़ा सारा लिखा हुआ कार्ड के अंदर आपने इस वर्ड्स को यूज करते हुए एक क्वेश्चन बनाना है ठीक है ऐसे अन ओपन इंफॉर्मेशन इन बिटन मतलब क्वेश्चन करना जैसे फ्रुशुक फुर, हमारे पास तो हम अपने पार्टनर से क्वेश्चन कर लेंगे फ्रुशुक कंजी 1 कंजी ये भी हो सकता है या इसका आ, ये हो सकता है आ, क्या बना सकते हैं आप क्वेश्चन जिसके अंदर आप फ्रुशुक चूज करें अच्छा आ, अच्छा एक मिनट मैं इसका आपको बताता हूँ एस एन एस एन जी सुबह नाश्ते में क्या क्या चीजें हम खाते हैं नाश्ते के अंदर क्या क्या चीजें खाते हैं वो मैं पूछ रहा हूँ एस जी एस एन जी मिल्च मिल्च मिस मिल्च एसएन नहीं आएगा एक मिनट एस एन जी ब्रॉट इम प्रोस्टुक frosh took ठीक है आप क्या ब्रेकफास्ट के अंदर क्या ब्रॉड खाते हैं ठीक है तो ये हमारा एक किस्म का लो क्वेश्चन है ठीक है ये फ्रोश टुक हमारे पास एक वर्ड है नाउन है ठीक है तो आ, मैंने आपसे पूछ लिया या आपने पार्टनर से तो मेरा पार्टनर क्या करेगा क्या कहेगा उसको इजी हो जाएगा या या कह देगा उसके बाद क्या करेगा सेम मेरा क्वेश्चन उसको रिपीट कर देगा बस या इश ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पार्टनर किस तरह का क्वेश्चन करेगा तो आपने आंसर कर देना या आप क्वेश्चन करेंगे तो वो आंसर कर देंगे कर देंगे मतलब ये दोनों के लिए है, हमने सेंटेंस बना दिया ठीक है, है आपने सिर्फ क्वेश्चन करना है क्या कह रहे हैं

तो इसी तरह लेकिन ए वन के अंदर तो काफी होते हैं मैंने की बात कर रहा ए वन के अंदर तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो पार्टनर आपके बन जाते हैं सारे ठीक है तो आपका ये क्वेश्चन होगा ठीक है ये वाला अब आपको बता रहा हूँ इसका क्वेश्चन बनाने का तरीका ठीक है क्वेश्चन बनाने के बहुत तरीके होते हैं ठीक है एक क्वेश्चन जैसे आपने कहा था was... SMZ... कोई और चीज का नाम लेना पड़ेगा भूल जाएगा वो जैसे मैंने अभी पूछा आपसे मुझे बोल गया अभी क्या क्या खाते हैं तो वो सोचने में पड़ जाएगा ठीक है अब ये वाला क्वेश्चन देखे उसने कुछ भी नहीं सोचना अपनी तरफ से जस्ट उसने क्या करना था यस का आंसर देना था ठीक है ऐसा क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ आपने यस का आंसर देना बाकी सारा क्वेश्चन रिपीट होगा वो आपका तरीका ये है कि आपने शुरू में वर्ब लगाना होता है आपने यहाँ पर जो फ्रिया बता रही थी फरा, वो आपने वर्ब नहीं लगाया था आपने शुरू में एस एन कर दिया ठीक है डब्ल्यू क्वेश्चन जब आप बनाते हैं डब्ल्यू से उसका आंसर यस और नो के अंदर नहीं होता हमने डिस्कस किया था ना तो जब आंसर यस और नो के अंदर नहीं है तो आपका पार्टनर मुश्किल में पड़ जाएगा आंसर कैसे दूं अब मैं ठीक है तो इसका हल यही है कि आपने शुरू में कोई ना कोई वर्ब ढूंढ कर लगाना होता है तो जब शुरू में वर्ब आ जाता है तो हमने कहा है उसका आंसर जो होता है ना यस और नो के अंदर आना ही आना होता है लाजमी जब हम शुरू में वर्ब लगा देते हैं ठीक है एक बात ये हो गई और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर था हमारे पास सिर्फ नाउन था फ्रूस टुक था आगे हम देखते हैं जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे भी आ जाते हैं जो कि वर्ब होते हैं

इस तरह से क्वेश्चन बनाना है आपका काम कंप्लीट हो गया बस आपके पार्टनर का काम है आगे उसका आंसर करना फिर आपका पार्टनर ठीक है अपना पेज उठाएगा उसमें इसी, तरह एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपने उसका आंसर देना होगा उसका क्वेश्चन इसी तरह कोई और वर्ड उठाएगा वो अपने पेज में से आपने उसका आंसर देना होगा समझ आ गई अब जी सर ये मुझे समझ आ गई मैं ये कह रही थी कि अभी फिलहाल जो भी वर्ड्स दिए गए हैं ना इन सबका एक ही क्वेश्चन बना दें ये मैं कह रही थी अच्छा अच्छा थी, ठीक है ठीक है ये समझ आ गए और फिर हमारे पास है लिबलिंग एसन लिबलिंग एसन होती है फेवरेट फूड ठीक है अब यहाँ पर तो इजी है हम जब हम कहते हैं इसका क्वेश्चन बनाना तो हमारे लिए इजी हो जाता है बस ठीक है हम डब्ल्यू से क्वेश्चन बना देते हैं उसका आ, स्टार्ट कर लेते हैं डब्ल्यू से लेकिन हमारा पार्टनर उसको आंसर नहीं आता ठीक है तो अक्सर यूँ होता है एग्जाम से पहले ना आपको बता देते हैं कि आपका पार्टनर ये होगा या आपका पार्टनर यह होगा तो आप उससे पहले क्या करें आपस में डिस्कस कर लें कि आपने डब्ल्यू वाले क्वेश्चन नहीं बनाने ऐसा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है जिसके अंदर शुरू में वर्ब आ जाए ताकि हमारा आंसर क्या हो जस्ट यस yes के अंदर हो बाकी हम सारा क्वेश्चन रिपीट कर देंगे आंसर के अंदर ठीक है तो जैसे यहाँ पर है लिपलिंगस एसन मतलब फेवरेट फूड ठीक है तो ये कुछ हद हाँ तक इजी हो सकता है कि हम पूछें आपकी फेवरेट फूड क्या है उसे पहले वर्ड्स ढूंढना पड़ेगा कि मेरी कोई क्या बताऊं मैं कोई बता दूं बिरयानी बता दूं, ठीक है उसके जहन में आएगा नहीं पहले कोई और वर्ड आ जाएगा पहले सोचेगा फिर उसको जर्मन में ट्रांसलेट करूं ठीक है तो हो सकता है बिरयानी बता दे कुछ भी बता दे लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे शुरू में हम वर्ब लगाएंगे शुरू में वर्ब लगाना है हमने इस इस वहां से ये भी नहीं बनेगा इसलिए इसका जो आपका नाम बने ना फिर आप नो से डब्ल्यू से बना लेना है वैसे इसका देखते हैं हम अगर दूसरा बनता है तो बनाएंगे अभी हम डब्ल्यू से बना रहे हैं अच्छा एक 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 इस... बताना, बताना तो ये इजी होगा उसके लिए कोई एक भी चीज हाँ। वो बता सकता <laughs> नहीं अक्सर ऐसे होते हैं स्टूडेंट उनको ये भी इस तरह भी नहीं आता वो कहते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसका हम आंसर यस करें या फिर नो करें और होता भी ऐसे अक्सर यस और नो के अंदर जवाब दे देते हैं और उनका आंसर भी हो जाता है और पार्टनर का क्वेश्चन भी कम्प्लीट हो जाता है सिर्फ यस कह देते हैं ऐसे या कुछ लोग तो क्वेश्चन भी रिपीट नहीं करते ना ऐसा भी होते हैं अच्छा हाँ वाज इज देयर लिव लिंक्स अच्छा आपका पार्टनर चाहे वीक हो स्ट्रॉन्ग हो जैसे भी हो उसका आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होता इतना ज्यादा ठीक है आप बस अपने आप को नॉर्मल प्रिपेयर हो आपने ये नहीं सोचना कि मेरा पार्टनर उसको कुछ नहीं आता तो वो मेरे साथ भी, मेरा भी जाएगा तो एग्जामिनर देख रहा होता है तो, तो, तो उसको... कोई क्वेश्चन मतलब कर ही नहीं पा रहा तो हम उसको आंसर क्या करेंगे आपका फिर नंबर हो जाएगा आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे उसने क्वेश्चन ही नहीं किया नहीं कर पा रहा तो आपको नंबर मिलेंगे इसलिए एग्जामिनर देख रहा होता है कि जिसका जिसके मिस्टेक है उसके नंबर काटेगा दूसरे का नहीं काटेगा वो तो लिबनिंग एसन आप क्या देंगे यानी आगे फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दे ठीक है माइन लिबनिक्स एसन और फिर इसी तरह दूसरे कार्ड के ऊपर ज़ोन अच्छा आपने क्या करना है फिर वही चीज़ ऊपर देखना होता है है कि चेंज भी हो जाता है कभी कभी ना लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं है पूरे कार्ड के ऊपर एक ही है ठीक है पूरे कार्ड के ऊपर एक ही थेमा चल रहा है जो कि क्या है एसन ड्रिंकन मतलब खाने पीने से रिलेटेड ले है थीमा और आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं भी होता था कि ये थीमा क्यों बताते हैं जब यहाँ पर एसन खाने का फ्रूट टुकन का इसका वैसे ही डायरेक्ट थीमा बन जाता है एसन इसलिए बताते हैं कुछ वर्ड्स ऐसे भी आ जाते हैं जिनका जैसे सोन टाग है ठीक है तो इसका थीमा जरूरी नहीं है एसन ड्रिंकन हो इसका डिफरेंट भी हो सकता है बियर के अंदर ड्रिंकन आता है लिपलिंग एसन में फ्रोश में वही खाने पीने का एक बन जाता है सिनेरियो बन जाता है ठीक है लेकिन संडे के साथ खाने पीने का सिनेरियो नहीं बनता तो इसलिए ऊपर लिख देते हैं कि आपने एक संडे यूज करना है किसी सेंटेंस में जिसके अंदर आप जो बात कर रहे हो उसका लिंक बन रहा हो किससे ऊपर से इसको कहते हैं थीमा टॉपिक कहते हैं कि आपने ऐसी बात करनी है जिसका टॉपिक क्या हो खाने पीने से रिलेटेड हो उसके अंदर आपने संडे यूज करना है ठीक है तो अगर वो थीमा ना बता दे फिर तो हम बहुत ज्यादा आजाद हो जाते तो थीमा बताते हैं खाने पीने से रिलेटेड जो भी बताते हैं यानी यहाँ पर वो एस एन है और थीम वैसे मुश्किल नहीं होता यही एस एन होगा या हॉलीडेज यानी वेकेशन वगैरह वे इस तरह की बात हो सकती है ठीक है ज्यादा आमतौर पर एस एन का ही आता है तो हम यहाँ पर क्वेश्चन बना सकते हैं आ, क्या बना सकते हैं ज़ोन डार्क भी यूज करना है और एस एन भी होना चाहिए

संडे में आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं तो वो ब्रोट वगैरह उसका भी आंसर हो सकता है लेकिन हम अगर हम वर्ब लगा दें ऐसे एसएनजी आप संडे को आ, जो है ना एसएन सर इसका जीव इसका हम ये भी कर सकते हैं कि आप संडे को पीते हैं तो उसका हाँ या ना में वो जवाब दे सकता है

अक्सर ये होता है कि ना आमतौर तो बाकी लोगों को बाकी डेज में टाइम नहीं होता सिर्फ इन डे वीकेंड पे या संडे को टाइम होता है अपनी फैमिली के साथ डिनर करने में खाने में या ऐसे भी हो सकता है कि आप संडे को बाहर खाते हैं क्योंकि ऐसे है ना नॉर्मल डेली हमारी जो एक लाइफ है उसके अंदर हम संडे को अक्सर इस तरह हो सकता है बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं तो हम उसमें खाना यूज़ कर देते हैं ठीक है एस एन जी आ, ड्रावसन, ड्रावसन आउट बाहर। हम कि आप संडे को बाहर खाते हैं अब देखें आ, पार्टनर को थोड़ा सा एक्टिव होना होता है ठीक है उसको क्या चाहिए उसको जब आ, देख लेता है कि शुरू में वर्ब लगा हुआ है तो फॉरन ऑटोमेटिकली उसको रिलैक्स हो जाना चाहिए कि शुरू में वर्ब लगा हुआ है इसका आंसर यस और नो के अंदर होगा अब मुझे रिलैक्स होना है और इसका आंसर मैंने यस और नो करना है और क्वेश्चन रिपीट कर देना है ठीक है अक्सर क्या होंगे स्टूडेंट या कुछ इस तरह के वो कहेंगे ये ड्राउसन क्या होता है या क्या हो सकता है तो इसके ऊपर वो फोकस में पड़ जाएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे लेकिन क्या है उसके पता है? पता होना चाहिए शुरू में ऐसा लगा हुआ है मैं इसको ऐसे बना देता हूँ या इश ऐसे ड्राउसन एमजोन डाग मीनिंग का उसको पता ना भी हो या आपको क्वेश्चन आ जाता है ऐसे मीनिंग का पता ना हो लेकिन शुरू में वर्ड है क्वेश्चन के तो आपने कुछ भी नहीं करना आपने सिर्फ यस लगा देना है या फिर नो लगा देना है ठीक है नाइन इश ऐसे नश्त ड्राउसन एमजोन डाग यस इजी होता है नो के अंदर आपको नीश्त लगाना होता है वो मुश्किल हो जाता है तो आप कह देंगे या इश ऐसे ऐसे ड्राउसन ठीक है तो आपने देखना है अगर शुरू में वर्ब है तो आपके लिए क्वेश्चन का आंसर देना ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा जब आपको पता होगा कि इसका आंसर यस और नो दे सकता हूं। जिसको ये भी नहीं पता होगा कि इसका आंसर यस और नो नहीं दे सकता कि दे सकता हूं वो फिर उसके लिए भी मुश्किल हो जाता है ठीक है तो आपको पता है आप शुरू में वर्ब है तो ये क्वेश्चन ईजी है आपके लिए ठीक है और इसी तरह हमारे पास है बियर का इसका बियर ट्रिंकन है ऊपर थीमा भी ऐसे है तो जरूरी नहीं ऊपर थीमा वाला वर्ड यूज हो उसके अंदर कभी कभी ऊपर वाला वर्ड यूज भी हो जाता है कभी नहीं भी हो सकता ठीक है लेकिन नीचे वाला जो बड़ा वर्ड है ना ये होना चाहिए उसके अंदर सेंटेंस में ठीक है तो ट्रिंकन जी उसके बाद जी बियर। उसके बाद आप टाइम भी बता वीकेंड पर आप बियर पीते हैं या फिर अक्सर इजी होता है अक्सर लोग आ, हम यूज भी करते रहते हैं कोर्स के अंदर भी पढ़ते रहे हैं। जैसे इस तरह का सीनारी जो होता है जैसे आ, कि आप आ, हर डे बियर पीते हैं या एडनडे सिर्फ लिखते हैं ठीक है अच्छा जब आपके सामने कार्ड आएगा क्या चीज ट्रिम कर दी बियर टैगलिश भी आ सकता है बिल्कुल हाँ ये बहुत ज्यादा इजी है आ, ये तो हमने शुरू में इसका प्रैक्टिस भी अच्छी की हुई अच्छी खासी या ठीकन जी बियर गैन क्या आप बियर पीना पसंद करते हैं तो आपने जस्ट देखना है शुरू में है तो आपने सिंपली क्या कर देना आपने यस के अंदर कर देना या इश ठीक है क्या आएगा आगे जेगर, ना जेगर, इस के, हाँ ठीक है, तो है, है तो आपका आंसर ऐसे हो जाएगा ठीक है और इसी तरह हमारे पास है नेक्स्ट फ्लाइश ये तो बहुत ये भी इजी है देखें आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है ऊपर का आपने किया नीचे वाला भी आपको आ जाता है ठीक है आ, अब ये भी उसी तरह बन जाएगा एस एनजी फ्लाइश गेंड या फिर अः एश एनजी फ्लाइशे ठीक है और और क्या हो सकता है बस ये ठीक है इसी तरह जैसे आपने ये बनाया ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा यहां लगा देना और हमने क्वेश्चन uh, को रिपीट कर देना है एक और बात भी मैंने डिस्कस करनी है आपसे uh, ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है दूसरी बात ये है आपने इस तरह का अग्नि बनाना क्वेश्चन डू के साथ जी सर वो फॉर्मल इशू है से जी लगाना है हां बिल्कुल हां देनी हां एक और मसला हाँ। भी होता आ जाता है फॉर्मल नहीं है और सर वो भी चेंज होंगी जी वर्ब कॉन्जुगेशन करनी पड़ेगी आपको तो, आपको गलत, तो, तो हाँ, आप गलत हाँ, आप यहाँ पर गलत कॉन्जुगेशन कर देंगे तो डू के साथ वो मसला हो जाएगा आपको पता है एसन के साथ z के साथ कॉन्जुगेशन नहीं करते हम ठीक है तो आप z कहेंगे हाँ। और इजी हो जाएगा आपको प्रोनाउंस करना ठीक है ये बोले अभी आपने याद रखना इसको ना air के साथ डू के साथ नहीं बनाना और इसी तरह प्रोट है हमारे पास और एसन के साथ थी मैं तो इसका क्या बनाएंगे हम है एस एन ड्रिंक एस एन जी ब्रॉड क्या कह रही हो सकते हो सकते हैं? हाँ हो सकता है अच्छा। बिल्कुल मतलब ठीक है अच्छा सन पहले मतलब क्वेश्चन पहले कोशिश ये किया करें कि नॉर्मल डेली लाइफ से हो हो सकता है तो ठीक है नहीं हो सकता तो आप इस तरह बना सकते हैं कि एसएनजी ब्रोट मिट आयर ठीक है और इसके बाद और क्या बन सकता है हाँ ये बना रहा था मैं आपने सुम क्यों लगाया मैंने मुझे इतना आइडिया नहीं है कि प्रोस्टुक के साथ सुम क्यों आ रहा है लेकिन इतना पता है मुझे भी आपको भी कि अक्सर हम यही सुनते रहे हैं कि प्रोस्टुक के साथ कोई चीज हम खाने की बात कर रहे हैं तो इस तरह की प्रपोजिशन यूज करते हैं फ्रूट सुम करते हैं ठीक है तो प्रैक्टिस करने के साथ आपको चीजें आ जाती हैं फिर ठीक है तो आप में क्या आ, ब्रोड लेते हैं हैं आप खाते सम सम फ्रोस्टुक फ्रोस्टुक और फिर कह देंगे या इश ऐसे ठीक है तो क्वेश्चन भी आपने छोटा सा करना है लंबा नहीं करना होता आपने और आंसर तो वैसे ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक यही होगा और जब आपका पार्टनर क्वेश्चन करेगा तो उसके ऊपर फोकस करना है उसने क्वेश्चन कितना लंबा पूछा है तो आपने यहाँ लगा के उसके वर्ड्स याद रखने होंगे यहाँ लगा के उसके वर्ड्स रिपीट कर देना होगा आपने ठीक है अगर डब्ल्यू क्वेश्चन करता है वो तो पहले तो आपने कन्वर्सेशन से करनी होगी हाँ के अपना क्वेश्चन अगर हमने इसको कहना हो अपना क्वेश्चन रिपीट करना तो हम उसको कह सकते हैं आ, आ, आपने बताया था आ, 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 सी बिठे इसका मुझे भी बोल गया क्या ऐसे कैसे कहेंगे इसको एक तो कहना आ, था शुरू में आ, आ,

कि वो एग्जामिनर नहीं आ, आ ये वो गैप नहीं आता ठीक है है इस वजह से ये बहुत कम केस, केस के अंदर आप यूज़ करेंगे करेंगे कभी हो सकता हाँ, तो ट्राई ज़्यादा कोई नहीं ज्यादा मतलब बाकी हाँ। बाकी वो कि कि एग्जामिनर देखेगा के इसको क्वेश्चन सही अगर एक, एक आप अच्छा हाँ। तो आपस में टाइम देते हैं क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए मतलब कितना टाइम का ये 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 पूरा प्रोसेस होता है वाला वाला कार्ड वाला? ये ना तकरीबन आपको, आपको, हाँ, आप आपको हमें बिठा देते हैं लेकिन काफी ज्यादा स्टूडेंट होते हैं ना फिर कुछ लोग डिस्कस कर ही लेते हैं मतलब अलग सीन होता है कभी क्या, कभी क्या हो जाता है कभी क्या हो जाता है जैसे कार्ड था, मिलता है तो, तो लिख हाँ हाँ। मतलब सकते हैं जैसे मैं है मेरे मैं लूं। हाँ, तो हाँ, तो हाँ, हाँ, हाँ आपको कार्ड देखे ना आप उसके ऊपर थोड़ा सा लिख सकते हैं शॉर्ट चीजें उसको उसके अंदर शॉर्टकट के मैंने इसका आंसर क्वेश्चन ऐसे करना है ठीक है और अगर कोई क्वेश्चन किया जाता है तो उसका आंसर मैं ऐसे करूंगा आपने सारे कार्ड के सारे वर्ड्स देख लेने हैं ठीक है और जो इजी देखेंगे तो उनको आपने मार्क कर लेना है मैं, मैंने ये वाला क्वेश्चन करना है क्वेश्चन लिख भी सकते हैं आप उसके वरना शॉर्ट आई थिंक आपको पहले बताते भी हैं गाइडलाइन आपने ऐसे ऐसे करना है आपने प्रिपेयर करना है उसके अंदर आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं ठीक है तो उसके ऊपर आप लिख सकते हैं उसके ऊपर कार्ड के ऊपर और फिर इसी तरह आपके पास ये छह जो होंगे आपके पास आपने सब को देख लेना जो इजी होंगे उनको आप मार्क कर लेना लेकिन बाकियों को भी आपने देख लेना है कि इनका क्वेश्चन कैसे बनता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इजी वाला भी भूल जाता है तो आप फिर उसका दूसरा बना सकें क्वेश्चन आप ठीक है तो ये था हमारे पास सेकेंड पार्ट आपने क्वेश्चन करना है और आपने आंसर देना है क्वेश्चन के ये होता है सेकेंड पार्ट इसी तरह थर्ड पार्ट जो है लास्ट वो भी कुछ इसी तरह इससे रिलेटेड ही होता है कि उसके अंदर हमने बीटे फॉर्मुल मतलब क्वेश्चन बनाना फॉर्म फॉर्म करना और फिर उनका क्या करना हमने आंसर करना रियागीरन ठीक है ऊपर था ऊपर इंफॉर्मेशन बिटन इंफॉर्मेशन इन बिटन उसका मतलब क्वेश्चन बनाना अब यहाँ पर फॉर्म बोलिए इनका मतलब है रिक्वेस्ट कर देना बिटन का मतलब होता है रिक्वेस्ट ठीक है अच्छा बिटन का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना ठीक ठीक है है रिक्वेस्ट बनाना पर लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है आ, सारा का सारा आ, मतलब एग्जाम चेंज नहीं होता बस आपको रखना है सेकंड पार्ट के अंदर आपने वो इस तरह क्वेश्चन बनाने होंगे और लास्ट पार्ट में आपने ये करना होगा आपको पता ही होता है सारा क्वेश्चन आप ना अभी बड़े हो सकते हैं ठीक है और अरेंजमेंट भी यही होती है आगे पीछे नहीं होता ये तो इसके अंदर क्या होता, तो होता है इसके अंदर वहाँ पर ऊपर हमारे पास वर्ड्स थे सेकंड के अंदर यहाँ पर वर्ड्स नहीं होते बल्कि पिक्चर है पिक्चर को देखकर हमने जो भी करना है वो बनाना क्वेश्चन वगैरह जो भी है वो आपको बताता हूँ मैं तो ऊपर हमने क्वेश्चन बनाया था पिक्चर को देख वर्ड्स को देख कर, अब हमारे पास पिक्चर होंगे इस तरह छे उन छे में से कभी कभार वो एक भी कह देते हैं वरना दो कहते हैं ठीक है लाजमी कि आपने दो रिक्वेस्ट करनी है रिक्वेस्ट क्या होती है फॉर एग्जाम्पल जैसे ऊपर हमारे पास जो वर्ड्स थे फॉर एग्जाम्पल बुक लिखा हुआ था ऊपर वर्ड तो आपने बुक का क्वेश्चन करना था ठीक है भि हा बंजी आइन बुक इस तरह लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर क्या आ जाएगा गे जी मेरे बेटे आइन बुक फॉर एग्जाम्पल ये मैं कहता हूँ रिक्वेस्ट कैसे करते हैं ये ऐसे देखें ये। इसके अंदर रिक्वेस्ट हम ऐसे करते हैं शुरू में वर्ब लगाते हैं कोई भी लगा सकते हैं फिर सब्जेक्ट सी लगाते हैं फिर मेयर फिर बीटे ये आपका हर क्वेश्चन के अंदर सेम होगा हर रिक्वेस्ट के अंदर सेम होगा आपने कोई भी रिक्वेस्ट लगानी है ठीक है तो आप बन सकते हैं जी गेबेन आइनबुक जी जी आ सकता है आ सकता है बिल्कुल आ, तो आ, लेकिन आप ना नॉर्मली ये वाला आप इस तरह यूज करेंगे शुरू में ऐसे वर्ब ये लगाकर फिर जी थी, फिर मेयर फिर बीटे आपने इसको बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे आ, तो आपके जैन के ऊपर आ जाएगा ठीक थी। थी। है तो जो भी आपके सामने पिक आएगी ना तो आप फौरन कह देंगे इस तरह शुरू में वर्ब जी मेयर बीटे आपकी इसकी अरेंजमेंट आपको याद रहेगी ठीक है उसके बाद लास्ट के ऊपर वो जो पिक्चर है ना उसका आपने इधर नाम लिखना होगा ठीक है जैसे हमारे पास थी बुख गि जी मेयर बीटे बुख मुझे प्लीज मुझे एक बुक दें अब आ जाते हैं उसके ऊपर जो आपने कहा है क्यूनन वाला उसको भी ऐसे बना देंगे हम क्यूनन जी यर बीटे और उसके बाद आइन बुक ठीक है गे अब देखिए फिर जब मॉडल वर्ब लगाएँगे हाँ क्यूनन अगर हम लगाते हैं फिर दूसरा वर्ब लास्ट पे चला जाएगा इस वजह से थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो सकता है कि आपको ये जो है ना आप यहाँ पर लगा देंगे क्यूनन जी गेबन मेयर बीटे इस तरह ठीक है तो ज़्यादा ईजी फिर यही ऊपर वाला ही रहेगा कि आपने वर्ब शुरू में लगाना है और स्पीड जीगी लगाना है मेयर लगाना है बीटे लगाना है अक्सर स्टूडेंट होते हैं वो ये चीज़ भी याद नहीं करते अब देखें ये चीज़ थोड़ी सी आपने अभी दो मिनट लगते हैं आप इसको प्रैक्टिस कर लें ठीक है एग्जाम वाले दिन भी आप इसको प्रैक्टिस कर लें ऐसे दो चार बार इसको ठीक है और फिर इसको आपको आ, इजी हो जाता है प्रोनाउंस करना हमने देखा था वहाँ पर ऐसे स्टूडेंट भी आए हुए थे कि उनको हमने बताया था कि आपने ये लगाना है ऐसे करना है वो हमसे पूछ रहे थे क्या करना है हमने जब मैं बी का एग्ज़ाम देने गया था ना वो ए वाले भी थे वहाँ पर तो फिर हमने उनको बताया था आपने ये वाला यहाँ तक प्रोनाउंस करना है आपका आधा सेंटेंस आधे से भी ज़्यादा आपका सेंटेंस यहीं पर कंप्लीट हो जाता है और पीछे आपने वो पिक्चर जो है उसका नाम ले देना है बस ठीक है जैसे यह गिवन जी मेड बिटे ये तो हर क्वेश्चन में आ जाएगा हर रिक्वेस्ट में आगे हमने बुक लगा दी इस तरह नीचे है पेंसिल गिवन जी मेड मेर ब्लास्टिफ पेंसिल कहते हैं ब्लास्टिफ को यानी आपकी वैद भी होनी चाहिए कि आप पिक्चर को देखकर चीज़ समझ जाएँ कि ये जर्मन में क्या होगी ठीक है और इसी तरह यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है क्या हो सकता है सी डी हो सकती है और नीचे क्या पड़ा आगे बैग या इस तरह का कुछ लेकिन हम इसको सी uh, डी है इसको हम सी डी प्रोनाउंस कर सकते हैं अक्सर पिक्चर ऐसे भी आते हैं जो के मतलब उनके दो मीनिंग हो सकते हैं एक इंसान उसका अलहदा मीनिंग लेगा दूसरा उसका अलहदा ले सकता है तो इसके अंदर फ्लैक्स होती है आप इसको सी बना दें तो इसका क्या आ जाएगा वाला बना देते हैं हम अब आपने ये नहीं देखना कि आप सेम टू सेम एक ही बना रहे हैं बार बार आपने तो दो बनाने होंगे ना आप दो सेम टू तो सेम बना देर सिमिलर बना, सिमिलर बना दें तो एग्जामिनर कोई इशू नहीं करेगा कि आपने दोनों सिमिलर क्यों बनाए दोनों में गेबन लगा दिया आपने ठीक है अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं छे के छे कर रहे हैं वहां पर आपने दो बनाने हैं और दोनों के लिए आप गेबन जी मेर बीटे लगा दें गेबन सी मेर बीटे बुक गेबन जी मेर बीटे सी डी बस तो आपको वो नहीं कह सकता कुछ भी एग्जामिनर आपने जस्ट रिक्वेस्ट करनी थी आपने रिक्वेस्ट कर दी और रिक्वेस्ट क्या है आपने उसमें बीटे लगाया हुआ है अगर आप बीटे नहीं लगाएंगे सेंटेंस तो ठीक है लेकिन उसमें रिक्वेस्ट नहीं होगी ठीक है फिर आपका वो नंबर काट लेगा यही लिखा हुआ है रिक्वेस्ट करें आप मतलब थर्ड वाला ये क्या है बो, ये बोतल वाला तो इसको कहते हैं फ्लाशे ठीक है बोतल को ठीक है तो अब ये देखिए इसके अंदर हाँ ओपन कर रहा है उसको ओपन करने में मुश्किल आ रही है देखें जोर लगा रहा है उसका गला जो है ना वो इधर उधर खींचा हुआ है तो उसको मुश्किल आ रही है ओपन करने में तो इसका मतलब क्या कहेगा आपने ये फ्रेंड को कह सकता है कि प्लीज मुझे बो, बोतल खोल दें या मेरा ये काम कर दें रिक्वेस्ट करनी है ना तो हम भी ऐसे कह देंगे ठीक है तो ओपन करने का हम शुरू में वर्ब लगा देंगे ठीक है इस तरह यहाँ पर भी आपने जी के साथ क्वेश्चन uh, करना होगा ठीक है रिक्वेस्ट भी जी के साथ करनी होगी आपने बेटे डी फ्लैशिंग प्लीज ओपन फॉर मी द बोतल मेरे लिए ये बोतल ओपन कर दें मुझे ठीक है अच्छा मैं आपको और बात करनी है मुझे के आपने यहाँ पर भी जी के साथ क्वेश्चन बनाना है ठीक है आप देखें वहां पर भी हमने क्वेश्चन जो बनाया था जी के साथ था शुरू में वर्ब लगा था अब शुरू में यहाँ पर भी वर्ब है उसमें और इसमें क्या फर्क है वो हमारे पास क्वेश्चन थे ये हमारे पास क्या है रिक्वेस्ट है अगर आप इसमें से बीटे काट दें तो ये क्या हो जाएगा बीटे और मेयर काट दें तो ये बन जाएगा क्वेश्चन यू जी डी फ्लैश मतलब आप उसको ऑर्डर कर रहे हैं कि आप ये बोतल ओपन करें ठीक है या फिर आप लास्ट में क्वेश्चन लगा देंगे ठीक है क्वेश्चन uh, मार्क लगा देंगे तो इसका मतलब आप उससे पूछ रहे हैं क्या बोतल ओपन करते होते हैं आप ठीक है उप, 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 बोतल जो है ना आप ओपन कर लेते हैं तो इस तरह क्वेश्चन बन जाता है लेकिन आपने क्या करना है इसमें मेयर लगा कर अपने लिए रिक्वेस्ट करनी होती है ना मेरे लिए तो मेयर और बीटे ये दो चीजें आपने लाजमी लगानी होती हैं फिर आपका ये क्या हो जाता है रिक्वेस्ट बन जाती है आपकी ठीक है तो ऊपर वाले सेकेंड पार्ट के अंदर ठीक है और थर्ड पार्ट के अंदर लो चीजें सेम है सारी ठीक है बस डिफरेंस इतना है उसमें भी हम शुरू में वर्ब लगाएंगे इजी हो जाएगा और इसके अंदर भी हमने शुरू में वर्प लगाना ही पड़ेगा यदि तो इम्पेरिटिव है ना रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट है तो इसके अंदर आप शुरू में वर्प लगाएंगे यहाँ हंड्रेड परसेंट शुरू में लगाना पड़ेगा डब्ल्यू आपसे क्वेश्चन बना ही नहीं सकते आप यहाँ पर डब्ल्यू वर्ड्स लगाएंगे तो रिक्वेस्ट नहीं बनेगी आपने शुरू में कोई वर्ब लगाना है फिर जी फिर मेयर बेटे फिर उसके बाद जो पिक्चर होगी उसका आपने लास्ट में नाम लिख देना है कि ये चीज़ है ठीक है आपका ये रिक्वेस्ट बन जाएगी कि मुझे प्लीज मैं मुझे एक बोतल ओपन कर दें ठीक है और इसी तरह ये ब्लाइटिप होगा इसमें आप गेबन लगा देंगे ज्यादातर आपने क्या करना है पिक्चर वो वाली पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है जिसके अंदर आप गेबन का वर्ड यूज कर सकते हो ठीक है इसके तीनों के अंदर गेबन आता है सीडी में बुक में और पेंसिल में इसमें गेबन नहीं आता गेबन आप फ्लाशे का कह सकते हैं मुझे प्लीज एक बॉटल दें लेकिन ज्यादा सूट इसको इसको क्या करेगा वो ओपन कर रहा है तो हमें लाजमी ये ऐसे चाहिए इसको ओपनिंग का हम वर्ड यूज करें ठीक है ओपनिंग के लिए क्योंकि पिक्चर के अंदर ओपन कर रहा है वो तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर हमें ओपनिंग का वर्ड ना होता वो हो में तो इसको हम नहीं लेंगे इस कार्ड को नहीं उठाएंगे तो हमारे पास और भी काफ़ी सारे होते हैं छह में से दो आ जाते हैं जिसके अंदर हम गेबन वाला लगा दें तो ज़्यादा स्टूडेंट यही करते हैं गेबन जी मेयर बिटे ये वाला सेंटेंस बोलते हैं रिक्वेस्ट और आगे कार्ड का नाम लिख देते हैं जैसे यहाँ पर है आ, गेबन जी मेयर सर ये ये भी दो लोगों के दरमियान होगा कि जस्ट हमने खुद ही अपना पिक करके तो बता हाँ। देने से जी ये दो लोगों के दरमियान होगा मैं आपको बताना बताना था अभी बोल के तो दो लोगों के दरमियान होगा आप अपने पार्टनर को कहेंगे केवन जी मेर बीटे बो, आपका पार्टन बीटे ठीक है मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ सामने हेयर और फिर बीटे मतलब प्लीज ये लें प्लीज ये भी आंसर है और या उसके बाद ये वाला आंसर आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना होता आपने ना ही क्वेश्चन पढ़ना है कुछ नहीं करना यहाँ को रटा रटाया ऐसे होगा सेकंड पार्ट के अंदर आपने जो आंसर करना है इसकी वैल्यू नहीं है मतलब बहुत ही इजी है इसके ऊपर एग्जामिनर फोकस भी नहीं करता लेकिन आपने इसको प्रोनाउंस करना है क्योंकि आपका एग्जाम का पार्ट ही है ना तो हेयर बीटे आप कह सकते हैं मतलब आपने जैसे मैं आपको कहता हूँ मुझे एक बुक दें तो आप पॉजिटिव आंसर क्या देंगे ये लें सर ये प्लीज हेयर बीठे आ, बिल्कुल आ, मतलब यस ऑफ कोर्स ये लें तो इस तरह हमने वो करना होता है जर्मन के अंदर भी आंसर देने हैं और जहर गहर इस तरह भी आ सकता है मैं आपको शेयर करूंगा एक दो वीडियोस चैनल वाली हैं उसके अंदर अच्छा खासा उन्होंने दोबारा भी एक्सप्लेन किया आप वहाँ से भी उसको देखेंगे इसके आंसर होंगे पॉसिबल डिफरेंट आंसर क्या हो सकते हैं ठीक है और उसके अलावा ये चीज थी रिक्वेस्ट आपने लंबी कैसे करनी है रिक्वेस्ट अगर आप अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग शो करना चाह रहे हैं के तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं जैसे इसका बना रहे हैं आप स्टूल का यहाँ पर इसको आप क्या कहेंगे आप केबन जी मेयर बीटे जी जी सर ये कर लिया मैं आपसे कुछ पूछना था मैं पूछ ठीक है अब देखें बेटे मुझे राटूल नहीं अब ये भी एक पॉसिबल एक रिक्वेस्ट हो सकती है एक ये हो सकती है लंबी रिक्वेस्ट करनी है तो ये हो सकती है इश नीमे मुझे एक स्टूल की जरूरत है ठीक है मुझे एक चेयर की जरूरत है और फिर आप कहेंगे

ठीक है तो आप कह सकते हैं लेकिन रिकमेंड नहीं करूंगा वही बात है कि आपका आंसर लंबा हो जाएगा आपका क्योंकि आंसर इसके अंदर यस और नो दे सकते हैं इसके अंदर कुछ भी आपको एग्जामिनर नहीं कहेगा ना जरूरत है आपको एक, आंसर देने की कोई और जस्ट आपने यस और नो इस तरह कह देना या नटअर्लिश हेयर बीटे जेर गर्न इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा तीनों में से कोई एक तो यही करते हैं सब स्टूडेंट यही करते हैं चाहे जितना वो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो ना उसकी कोशिश यही होती है कि चीज़ को सिंपल रखूँ मैं इसको अच्छा इसका आंसर भी क्वेश्चन ऐसे हो सकती है रिक्वेस्ट क्यों जी मेरे बेटे जागिन क्योंकि हमारे पास सामने क्लॉक है तो आमतौर पर हम क्या होता है रिक्वेस्ट कैसे करते हैं हम ये नहीं कहते मुझे क्लॉक देते आमतौर पर आमतौर पर हम टाइम पूछते हैं ठीक है तो हम कहेंगे एस। तो इसके अंदर देखें। ये वाला तो क्वेश्चन है लेकिन रिक्वेस्ट इसमें क्या है? ये वाली है। मुझे आप बता सकते हैं ये रिक्वेस्ट है, है तो अगला चाहे क्वेश्चन हो ना हो लेन, लेना देना नहीं है, हमारा। या असल हमारी रिक्वेस्ट हो गई है लेकिन आगे हमने बोलना भी तो है कि मुझे टाइम मतलब क्या टाइम है आप तो उसका आंसर देने वाला क्या करेगा As, is, उसको सिंपल रखेगा जस्ट uh,

जब वो इस तरह कोई चीज पूछ ले जब देने की बात हो ना मांगने की बात हो गेबन का गेबन का क्वेश्चन भी रिक्वेस्ट भी बहुत इजी है बनाने वाले के लिए भी और आंसर देने वाले के लिए भी बहुत इजी है जब कोई चीज गेबन का आता है ना तो हम क्या कहते हैं या बिटे हियर ये लें ठीक है वो मांगता है हम कहते हैं ये लें हियर बिटे ठीक है दोनों के लिए ईजी होता है कोई रिक्वेस्ट करने वाला भी और आगे आपका पार्टनर जो होगा वो भी तो इस वजह से पार्टनर जब बनाते हैं ना आमतौर पर इस तरह टाइम मिल जाता है आपको ना कभी कभी पहले बता देते हैं आपका ये वाला पार्टनर है ठीक है तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं बल्कि ए वन के अंदर आई थिंक ऐसे ही होता है कि आपको टाइम मिलता है अपने पार्टनर से एक दो मिनट पहले बात करने का अपनी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए तो आपने दो काम करने हैं यही एक दो काम उसे कह देना है, है कि आपने क्वेश्चन जो बनाना है ना यहाँ पर शुरू में उसमें वर्ब लगाना है डब्ल्यू क्वेश्चन नहीं बनाना ठीक है उसे कहना शुरू में वर्ब लगा देना और क्वेश्चन इजी हो जाएगा एक दो उसे समझा देना ऐसे ठीक है एग्जांपल दे देना एस एन जी मीट एर फैमिली हम एम सोन टाक ऐसे ठीक है और डिस्कस करके फिर अपना ये अपना कार्ड उठा के और उसको सिलेक्ट करना आप और उसके क्वेश्चन बना लेना वे इसका क्या क्वेश्चन बनता है ठीक है फिर आज के लिए प्रशन का हमारा एंड होता है टॉपिक वो वो आपने वीडियो ग्रुप में में सेंड किए दो दफा वो है मेरे लैपटॉप अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैं सेल में ट्राय कर रही थी ओपन करने की ओपन हो नहीं थी रही। हाँ हाँ। वो वीडियो नहीं थी थी वो वो वीडियो असल में ऑडियो है मेरे पास मैंने जो डाउनलोड की थी ना जब उसकी ऑडियो चलती है ठीक है उसको ओपन कर लीजिएगा आप किसी लैपटॉप में और किसी का क्वेश्चन है प्रेशन में से कोई नो सर सर ये लग रहा है कि हाँ। कंपैटिबिलिटी हो ना हमारे पार्टनर के साथ तो कोई तो मसला ना हो नहीं नहीं इतना नहीं होता इजी होता है और वहाँ पर जो है ना आप अक्सर जो है ना वहाँ पर जाकर बात कर लेते हैं आप अपने पार्टनर से वैसे वहां जा, पर तो बाकी लोगों से डिस्कस भी कर रहे होते हैं अभी स्टार्ट नहीं भी होता ना पहले पहुंच जाते हैं। तो पार्टनर बाद में डिफरेंट भी हो जाए लेकिन सबको पता चल जाता है हमने करना क्या है इसलिए पहले पहुंचे होते हैं वहां पर लोग हाँ और ज्यादा से ज्यादा दस पंद्रह होते हैं इतने ही होते हैं ठीक है एग्जाम वाले वाला कार्ड भी है

राखन जी, है। जी बिटे। इसको राखन राहुल रौख क्या राहुल तो स्मोक करना राखन सर आपने राखन जी हेयर राखन हाँ

जी जी आ, अच्छा एक लाउट होता है और इसका मुझे अपोजिट नहीं आ रहा जो इसका अपोजिट होगा ना वहां पर वो लगा देंगे हम भाई इसको सॉफ्ट या आ, वो करेंगे इसको कम कर दें जैसे हम लाउड कहते हैं ना अगर मैं कह तो यहाँ पर लाउट। तो इसका मतलब होगा इसका आवाज ज्यादा बढ़ा दे ज्यादा कर दे हमने इसका जो अपोजिट ढूंढना है डिक्शनरी के ऊपर वो होगा वो लिख देंगे इधर ठीक है आवाज कम कर दें या ये भी कह सकते हैं कि इसको बिल्कुल क्या कर दें ऑफ कर दें तो उसके लिए होगा माखन जी बी टेज ऑडियो और इसका होता है ऑफ माखन ट्रेंड बारे बात देखें ये मुश्किल हो जाएगा लेकिन आपको बता रहा हूं मैं से बना भी सकते हैं आप भी, आपने ये वाले याद रखने हैं ऑफ माखन होता है ऑन ऑफ डिक्शनरी के ऊपर सर्च करना आपने ऑन क्या होता है ऑफ क्या होता है और क्लोज ओपन क्या होता है ठीक है तो वहाँ पर ये होगा ऑफ माखिन होगा तो टेन बाई वर्ब के अंदर ऑफ लास्ट पे आता है आपको पता है ठीक है उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है इसी तरह आपने ये वाले याद करने आ, सर्च करने ऑन ऑफ इसको क्या कहते हैं और क्लोज और ओपन को जर्मन में क्या कहते हैं मतलब ऑन करना ऑफ करना क्लोज करना ओपन करना आपस में सिमिलर होते हैं आपने इनको याद रखना होगा वहां पर देख अब मैं मैं नहीं बता रहा आपको क्योंकि टाइम टाइम एंड हो रहा है तो आप वहां पर सर्च कर लेना इजी होगा बाकी चीजें ग्रुप में हम कनेक्टेड हैं कोई भी चीज आप पूछ लेंगे और बातें करने के लिए काफी हैं अभी जी जी नहीं सर मैं बता रही हूँ टू एफ आउफ इसका मतलब होता है टू ओपन Z U close अच्छा अच्छा एक मिनट जी जी फर टाइम नहीं है हम सो बात आपकी मैं जरूर सुनता हम इसको कर रहे हैं करें क्लोज आप डिक्शनरी के ऊपर इसको सर्च कर कर लेंगे ठीक है और बा...